इसे आला हजरत ने फरमाया ना कि सर सुए रौजा झुका, फिर तुझको क्या, सर सुए रौजा झुका। छोड़ दीजिए ये सब बच्चा है कि किसी का बचा पूछा है। लोग कहते हैं कि कोरोना से जो है नुकसान हुआ है, तो कोरोना से नुकसान नहीं हुआ है, फायदा ही हुआ है। आपके नेपाल में क्या मामला हम नहीं जानते हैं, मगर हमारे इंडिया में जितने औराहे औराहे थे सब कोरोना में मैट्रिक पास कर गए। यहाँ भी है जो 13% के लायक नहीं था उसमें 43% आया। कोई मेहनत नहीं। अभी एक लड़का जो है 93% आया। वालिद साहब उसके बहुत खुश हुए। बीमारी हुआ बोलने की क्या, और अपने पूरे मोहल्ले के लोगों की उन्होंने दावत के लोग खाए पिए। बैठो ना, बच्चे को सम्मानित करने के लिए फूलों का एक हार लाया था, बच्चे को पहनाया, तो एक बड़े सपोर्टर वाला वही था, उसने बच्चे से पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि मैट्रिक में आपने 93-93% नंबर लाया है, आगे आप क्या करेंगे, क्या प्रोग्राम है। तो बच्चे ने कहा कैसा है रिपोर्टर साहब, मैं 93% नंबर लाया हूँ, मेरा अगला प्रोग्राम है मैं डॉक्टर बनूं और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ूं। इतना सुनना था कि उसके बाप ने जूता खोला और 4 जूता अपने बेटे को मारा, कहा मजदूर जिस कोरोना की वजह से तुम पास हुआ है उसी के खिलाफ तुम जंग लड़ना चाहता, तुमको शर्म नहीं आती है। कोरोना नहीं होता तो 93% के लायक नहीं था। आप लोग बड़े अच्छे हैं, बस एक जुमला सुनिए, यजीद था, यजीद था और हुसैन है। जोर से बोलो हुसैन है। आप जोर से बोलो हुसैन है। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जलसे में कितने लोग आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में दल वालों की जरूरत नहीं है, दिल वालों की जरूरत कम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम लोग 22,000 वाले थोड़ी है, हम लोग तो 72 वाले, इसलिए कोई टेंशन नहीं। बड़ी मेहनत किया, दबिस्ताने अखलासो अखलाक के शफीसा गुलाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब दुबला अतालल्लाहु उम्रहु वसीदा इल्महु नवरा कल्बहु ने ठीक उनके बाजू से लगकर शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मेहरे आलम साहब दुबला, आप इनको नहीं देखे बस ये सोचे कि निस्बत से शय मुमताज हुआ करते नसीब रखते हैं और बिल्कुल मेरे रंग से मिलते जुलते हमारे अजगर इमाम साहब। जब इन लोगों को मैं देखता हूँ हजरत तो मेरा मोरल बहुत हाई होता है। हाँ नौशाद भाई वगैरह को देखते तो एकदम डाउन रहना पड़ता है उसको, है ना। तो बहुत अच्छे शायद असगर इमाम साहब, आपने उनसे सुना, मेरे करम फरमा हजरत कसाउल्लाह फैजी साहब इनसे भी आपने सुना, मुफ्ती रजब अली साहब देखने में तो मुख्तसर है, अगर इनको नकीबे मुख्तसर कहा जाए तो गलत
अखलाक से नवाजा है। सबसे अच्छी बात है कि मदरसे के बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी ने सुनाया था कि बहुत पहले हजरत अशफिया का एग्जाम हो रहा था, वो किताब हजरत मौलाना कमाल अख्तर साहब के पास चलती थी और उसका पर्चा मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने बनाया। तो जब सवाल दिया गया और लड़का देखा सवाल टफ है, लिख नहीं पाया, तो उसने एक शेर लिखा, खड़े है अब्दुल शकूर सर पर, खड़े है अब्दुल शकूर सर पर, ना कोई हामी ना कोई यावर, बता दो आकर कमाल अख्तर के सख्त मुश्किल जवाब में है। यहाँ के लड़के जो है बहुत अच्छे, बहुत तेज है। याद रखिएगा कि मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ है कि मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है और मदरसा ना हो तो काम नहीं चल सकता। इसको याद रखिएगा, इसलिए कि मस्जिद आवाज देती है हैया अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर सजदे का तरीका सीख जाओ। हैया अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर रुकू का तरीका सीख जाओ। अब मदरसा आवाज देता है आओ आओ, साथी तख्ती लेकर आओ, रुकू करने का तरीका तुझे हम बताए। आप देखते नहीं है, आप देखते नहीं है, जब सुबह होती है तो घर से दो लड़के निकलते हैं, एक लड़का वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, दो लड़के, एक लड़का वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है और एक लड़का वो जो दारुल कादिया रशीदिया में आता है। दो बच्चे, एक इंग्लिश मीडियम में, दारुल कादिया रशीदिया में। अब दोनों बच्चे के अंदाज को देखिए, जो बच्चा 9th का हो, 10th का हो, मैट्रिक का हो, स्कूल जाता है तो किताबों का बैग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? बोलो ना भाई, डरते क्या हो? तीसरी लहर नहीं आएगी, टेंशन मत लो, आगे लटकाता है या पीछे? पीछे। अब फैसला खुद करो, एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है और एक बच्चा वो जो मदरसा आता है, मगर अंदाज ये है कि जो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है, मगर जो बच्चा मदरसा आता है, अंदाज ये होता है कि बच्चा पीछे पीछे होता है। अच्छा, लोग ताज्जुब करते हैं कि शहादत के बाद नेजे पर हुसैन कुरान की तिलावत है। आपने सुना है कि नहीं? मैं बोलो ना, मैं कुरान पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? जैसे आप साथ में एक पढ़ते तो आप भी पढ़ते, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? मुझको रखना है, किसी को देना है, रखना है। वैसे शायद जरूरतमंद होता है, मुकरिब जो होता है वो साजिद जैसा होता है। बहरहाल आपने दिया, बस ये सब पे आप लोग और कीजिए भाई, आप तो जो नहीं देते, शायद आप पैसा देते हैं, आपका पैसा इसे लेता है, इसे करके कोई अहमियत नहीं देता ना। और हम लोग को देखे देखे हम लोग प्यार से जेब में जो फेंकता है उसको ठीक देते हैं और जो जेब में रखता है उसको देते नहीं, जैसे लगता है कि मुतरबी का बाले बच्चा नहीं है। तो लोग हैरत में है, चल
पहले मैं एक शेर पढ़ रहा था आला हजरत का के सर सुए रौजा झुका फिर किसको किया जनाजा साबित करता है कि कौन हक पर है। जनाजा साबित करता है कि कौन हक पर है। ताजू शरीय के जनाजे को इंडिया वालों ने देखा और शेर नेपाल के जनाजे को पूरे नेपाल वालों सर सुए रौजा झुका फिर तुझको क्या दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। अब बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह का फिर तुझको क्या फिर तुझको क्या। और आला हज़रत फरमाते हैं तेरी तेरी दौसक से तो कुछ छीना नहीं। जैसे एक नबी ने मुझसे सवाल किया कि मौलाना साहब ये बताइए कि जहन्नम जीम से है या जे से है। मैंने कहा बेवकूफ तुम जाने से मतलब जीम से है या जे से इससे तुमको क्या मतलब है। तुमको तो कन्फर्म जाना है बस जाने से मतलब चाहे जिससे रहे तुमको जाना है। आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी दौसक से तो कुछ छीना नहीं खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। अब मक्ते का कितना शानदार फायदा ताजू शरिया ने उठाया। आला हज़रत फरमाते हैं खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। और ताजू शरिया फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। आला हज़रत फरमाते हैं खुल्द में पहुंचा रजा ताजू शरिया फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया खुल्द वा है हर एक कादरी। शायरी शायरी देखिए कलामे नूरी अब कलामे रजा आप दोनों को देखिए दोनों को। अच्छा आप इजाजत दीजिए तो एक शेर हम पढ़े बोलबर हूँ हाँ तरन्नुम से पढ़े। हुजूर मुफ्ती साहब किया मेरी अहलिया ने मेरे बेटे को डांटा कहा बेटा तुम तकलीफ पर ध्यान क्यों देता है दिलकश राजवी अंकल के तरह तुम नाच क्यों नहीं पढ़ता। तो मेरा बेटा बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि अम्मी कोशिश तो करते हैं मगर करे क्या आवाज तो अबू से मिलती जुलती आप आवाज नहीं देखिए। मैं ये कह रहा था कि लोग ताज्जुब करते हैं कि मेजे पर हुसैन का सर आप कुरान की तिलावत कसम खुदा की इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। बेशक बेशक अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छा आप एक शेर पढ़ना ही होगा पढ़ना होगा। इन्होंने 10 रुपया दिया 30 रुपया दिया किसी की कोई औकात नहीं है कि किसी को दे सके। कोई औकात नहीं है। चलिए आला हजरत से थोड़ा पूछ लेते हैं ए आला हजरत कौन देता है। तो आला हजरत फरमाते हैं कौन दे इतना देता है कि हुसैन
को शहीद आजम बना देता। मेरा नबी जब तेरे पे आता है तो अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है। मेरा नबी जब तेरे पे आता है तो मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बना देता है। मेरा नबी जब तेरे पे आता है इतना देता है कि अख्तर रजा को ताजु शरिया बना। ध्यान नहीं देते जैसे उर्दू का कायदा पढ़ाया जाता है और उर्दू के कायदे में शुरू ही में मौलवी साहब रटा के पढ़ाते हैं या रब दिल दे। तवज्जो नहीं देते हैं। अभी बच्चा छोटा सा है, पढ़ने दिया है, उसी वक्त पढ़ाया जा रहा है बेटा पढ़ो या रब दिल दे। बच्चा रट रहा है या रब दिल दे। फिर मौलवी साहब ने कहा बेटा पढ़ो या रब दिल दे। बच्चा पढ़ रहा है या रब दिल दे। हजरते उस्माने गनी जैसा दिल दे, दिल दे अली जैसा दिल दे। नेसे पे कुरान की तिलावत हैरत की बात नहीं, हैरत की बात नहीं। उलमा बैठे हुजूर मुफ्ती साहब, मैं अपनी फिक्र के इमामे को इनके कदमों पे रखकर इनकी जूतियों से उड़े हुए गर्दो गुबार को अपने लेसानियात का माजून बनाकर आप तक तो पहुंचा रहा हूं कि नेजे पर हुसैन का सर आप कुरान की तिलावत उससे पहले आप देखिए। हुसैन ने मदीना छोड़ा और हुसैन के नाना ने जरूरत पड़ी थी तो मक्का छोड़ दोनों रहे हैं। नाना ने मक्का छोड़ा और हुसैन ने मदीना छोड़ा। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, आए हैं अपने नाना के मजार पर हाथ बांध के खड़े हैं। तरे शहे अनाम है, खड़ा हुआ इमाम है, ये आखिरी पयाम है तो आखिरी सलाम है। हुसैन अपने नाना के रोजे पर है, तैयारी है, अब मदीना छोड़ रहे हैं। शबीहे मुस्तफा लिए, दलीले हक नुमा लिए, जमाले खुश नुमा लिए, कमाले बेपनाह लिए। ये कौन सा हिलाल है जो नूर से निहाल है, ये फातिमा का लाल है शहीदों में। वफा में जो मिसाल है, हुसैन खुश खसाल है, नबी को जिस पे नाज है यही अली का लाल है। पकड़ के जुल्फे पाक को ये शान ए रसूल पर उठा के आंख देखिए, ये कौन सा सवार है। मलाइका पुकार उठे तो हूरों की मकाल है, ये फातिमा का लाल है शहीद में। हरम का राजदार है, अजम का पासदार है, बज़्मे कायनात में हसीन यादगार है कि आखिरी तवाफ है तो हाथ में गिलाफ है। शबे अखीर देखिए ये कौन सार सार है, ये काबा की पुकार है, यही वो खस्ता हाल है, ये फातिमा का लाल है शहीद में बिछार है। नाना के मजार पे है, नाना के मजार पे है। ए नाना, हुसैन
मदीना छोड़ रहा है। अल्लाह अकबर, नबी ने मक्का छोड़ा था, हुसैन ने मदीना छोड़ा था। जरूरत पड़ी नाना मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं, आज जरूरत पड़ी नवासा मदीना छोड़कर करबला जा रहा है, दोनों छोड़ रहे हैं। मगर याद रखना, मेरे मुस्तफा ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए। मुस्तफा ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए, और हुसैन ने मदीना छोड़ा था इस्लाम को बचाने के लिए। कौन हुसैन? कुरान जिसका हाल है, हदीस जिसकी काल है, और निसार जिसके हुक्म पर हुजूर का बिलाल है। कौन हुसैन? हुसैन को समझो, हुसैन को जानो, हुसैन को परखो। तुम क्या समझोगे? नेजे पर हुसैन का सर और कुरान की तिलावत। याद रखना, कुरान मुर्दा नहीं पढ़ता है, कुरान जिंदा पढ़ता है। हुसैन शहादत से पहले भी सर बुलंद थे, और हुसैन शहादत के बाद भी सर बुलंद है। नेजे पर हुसैन का सर, कुरान की तिलावत। लोग हैरत में है। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहि रहमा लिखते हैं, आपने सुना होगा, उलमा तशरीफ फरमा है कि सरकार की एक जगह दावत दी गई तो मौका देखकर किसी जालिमा ने गोश्त में जहर मिला दिया। गोश्त में जब जहर मिला दिया, दस्तरखान पे खाना पेश किया गया, सरकार ने बोटी को हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद मुंह में ले गए, जैसे आपने जबान पे रखा तो गोश्त से आवाज आई, बोटी से आवाज आई कि आका मुझ में जहर मिला दिया गया है, आप इसको इस्तेमाल ना करें, मेरा काम है नुकसान पहुंचा देना, मैं नुकसान पहुंचा दूंगा। अब अल्लामा जलालुद्दीन सियूती एक सवाल कायम करना चाहते हैं, करते हैं कि दस्तरखान पे जब बूटी थी, गोश्त था, तो गोश्त ने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि मुझ में जहर है, हाथ में है, उस वक्त क्यों नहीं कहा मुझ में जहर है? जब सरकार मुंह में ले गए, उस वक्त क्यों बोला? आप फरमाते हैं कि ये लुआबे देहल का कमाल है, ये लुआबे देहल की बरकत है। जिस गोश्त को एक मर्तबा मुस्तफा का लुआब मिल जाए तो वो बोल सकता है, तो जिस हुसैन को नबी ने बार बार चूमा था, वो कुरान की तिलावत करते रहे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कौन हुसैन? मुहर्रमुल हराम है, कमर भी ना तमाम है। अरे अदब से याद कीजिए हुसैन जिनका नाम है, अखराजे शौक दीजिए, निशाते जौक लीजिए, शराबे इश्क पीजिए,
बिनाए ला इलाह है। अरे जिसके नामे पाक से हर इब्तिदाए सार है, ये फातिमा का लाल है, शहीद का विचार है। एक बात बताइए, हुसैन तलवार लेकर सबसे पहले गए थे या बीच में गए थे? बोलो ना भाई, पहले गए थे या बीच में गए थे? आप बोलिए, आप लोग मत बोलिएगा, आप लोगों को मदरसा में खिलाया जाता है बोलने के लिए। कब गए थे? देखिए चिट्ठा बोल रहे, कब गए थे? बाद में गए थे, कन्फर्म है? एक मसला है, अगर किसी को कह दीजिए कन्फर्म है ये सोचते हैं। शुरू में नहीं गए, बीच में नहीं गए, हुसैन तलवार लेकर सबसे आखिर में गए, लास्ट में गए। पहले क्यों नहीं गए? अच्छा पता नहीं आपकी यहाँ लगता है कि नहीं लगता है, हमारे इंडिया में जब अखाड़ा निकलता है तो वहाँ एक नारा जरूर लगता है, कर्बला दूर है, इधर भी लगता है क्या? बोलो भाई, क्या बोलते हैं? कर्बला दूर है। हाँ मुक्ति साहब, बुढ़ुआ बुढ़ुआ सबको देखे, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, ये भी बुढ़ुआ तलवार ले लिया कह रहा। अरे बुढ़ुआ मस्जिद काहे नहीं जाता है रे? कर्बला दूर है, तुम लोग ये मत लगाओ कर्बला दूर है, तुम लोग नारा बदलो, तुम लोग नारा लगाओ कि कब्रिस्तान दूर है, जाना जरूर है। कर्बला कहाँ जाएगा? अब जाएगा वही सब तालिबानी लोग हैं। हिम्मत भी अभी मत करो, बता देना है। हुसैन तलवार लेकर सबसे लास्ट में गए, आखिर में हुसैन गए, फर्स्ट में हुसैन नहीं गए। लड़ाई किससे थी यजीद की? हुसैन से, उनके बेटे से यजीद की लड़ाई नहीं थी, याद रखिएगा, उनके बेटे से लड़ाई नहीं थी, भतीजे से लड़ाई नहीं थी, हजरते अब्बास से लड़ाई नहीं थी। खुदा की कसम, आप जब तारीख कर्बला पढ़ेंगे आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हुसैन की शहादत का वक्त आया, जब आप घोड़े से जमीन पर आने वाले थे, तो आपने खेमे की तरफ जब मुड़ के देखा तो देखा उनकी बहन हजरत जैनब पर्दे में रहकर अपने भाई को देख रही थी। तब आका हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ए मौला जमीन को कुछ नीची कर दे, ताकि जब मैं घोड़े से गिरूं और यजीदी मेरे सर को जिस्म से अलग करे तो ये मंजर मेरी बहन अपनी आंखों से देख ले। हजरत ज़ैनब देख रही है, जो ही हुसैन ने दुआ की जमीन नीचे, तो फौरन हजरत ज़ैनब ने भी दुआ की, ए मौला तूने भाई की दुआ सुन ली, अब बहन की भी दुआ सुन ले, जमीन को ऊपर उठा दे ताकि हम अपने भाई को सजदे में शहादत की हालत में देख सके। भाई की भी दुआ कबूल हो रही है, बहन की भी दुआ कबूल हो रही है, हमने समझा क्या है शहादत हुसैन। खुदा की कसम हुसैन कर्बला में मजबूर नहीं थे, मजबूर नहीं थे। ये मत समझना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी।
मस्जिद तो वो भी मजबूत ले ऐसा नहीं। अच्छा एक बात और कि मुझसे ज्यादा यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, करबला में हजरत अली असगर जिनकी उम्र 3 साल थी, कई साल थी, जोर से बोलो 3 साल थी। करबला दूर है, 2 साल 6 महीने तुम लोग पढ़ाया गया। कहाँ है दिमाग? 6 महीना उम्र, के महीना? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो ना, के महीना? एक बार का दोनों हाथ पे उठा के बोलो या हुसैन, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। परवरदगार जिन लोगों ने दारुल कादरिया के शहर में अपने दोनों हाथों को बुलंद करके या हुसैन के नाम का नारा लगाया है, मौला इन तमाम लोगों को हुसैन के नाना का मदीना दे, कर्बला दिखा दे। अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले कोई नहीं कह सकता। तो हजरत अली असगर जिनकी उम्र 6 महीने, कर्बला में हजरत अली असगर को जमीन पे कभी सुलाया नहीं गया था। जमीन पे अली असगर को सुलाया नहीं गया था, झूले पर, झूले पर, कभी शहरे बानो की गोद में, कभी उम्मे रुबाब की गोद में, कभी हजरत जैनब की गोद में, कभी इमामे जैनुल आबिदीन के बाजू में, कभी अब्बा के कांधे पे, गोद में है, आगोश में है, झूले पर है, मगर जमीन पर क्यों? कभी इसमें आपने सोचा क्यों? क्यों झूले की क्या जरूरत है, जमीन पे लेटा दिया जाता है। मगर नहीं लेटाया गया इसलिए कि जबरदस्त खदशा था कि अगर अली असगर को जमीन पे लेटा दिया जाए और बज़ाहिर प्यास की वजह का कहीं कर्बला में हजरत अली असगर ने अपनी एरिया रगड़ दी तो कहीं कर्बला में नया जमजम पैदा नहीं होता। बिनते अबू तुराब ने दर्से हया दिया, अब पर्दे में रहकर जुल्म की हस्ती मिटा दिया, अब कोई यजीद अब नहीं बैठेगा तख्त पर, अरे ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया, ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया। अब हुसैनी है, आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आपसे, आपसे संजीदा होकर के सुनिए, अगर आपसे आका हुसैन ने सवाल कर, आका हुसैन ने पूछ दिया कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम एवडा वो ए मोबाइल हमको देखो क्या एकदम में कर लू है ना, इतना भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो हमारे यहाँ एक काला रंग का लड़का हजरत, काले रंग का पल्सर लिए हुआ, बाल खा के ऐसा होठ लाल किए हुआ था जैसे लग रहा था कोलियरी में आ गया, जा रहा था मोटरसाइकिल से, मैंने आवाज दी, ओ कल्लू भाई किधर? कहा हजरत अम्मी जान से मिलने जा रहा, ईद का दिन था, मैंने कहा अरे अम्मी जान
कहीं गई है क्या इसके? कहा नहीं नहीं अम्मा तो घर ही में है। अम्मा घर में है। तुम बोला अम्मी जान से मिलने तो हम समझे नहीं। कहा हजरत आप लोग मौलाना है, आप लोग मौलाना है, आप लोग क्या समझिएगा? मैंने कहा बेटा ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाए होते क्या आपने कबूल किया तो मुझे समझने के लायक शराबी नहीं होगा। अब जो
वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो कभी जुआरी नहीं होगा। नहीं, फैसला करना है कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हम मुआशरे के लोग, हमारा किधर जा रहे हैं। ये बच्चे, जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, आज उन बच्चों के हाथों में उसके बाप ने मोबाइल पाया। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, आज उन बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा दिया गया। समाज माजरा जा कहा रहा है, हम किधर जा रहे हैं। सैनी जरा सोचो, आज हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बोलो बेपर्दा बाजारों में घूमती है या नहीं? बोलो ना भाई, हाँ या नहीं? क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सिर्फ ये ठीका हुजूर मुफ्ती साहब ने दे रखा है? ये आप मना कर सकते हैं, हजरत उमर का दौर नहीं है कि घोड़ा लेकर आपको घोड़े मारे। अरे ये तो इनका एहसान है कि मेहनत करके मदरसे से बच्चे हाफिज कारी आलिम पैदा कर रहे हैं। अरे याद रखना, मदरसे के बच्चों को कभी की भी निकाह से ना दे, कभी गिरी हुई निगाह से बच्चों को मत देखना। मदरसे के बच्चे रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। जोर से बोलो, किसके मेहमान? आप जोर से बोलो, किसके मेहमान? मैं मुफ्ती साहब की दावत पे आया हूँ, मेरे खिलाने की जिम्मेदारी किस पर? मुफ्ती साहब का, इसलिए कि मैं मुफ्ती साहब का मेहमान हूँ। पिलाने की जिम्मेदारी, ठहराने की जिम्मेदारी इनकी, इसलिए कि मैं इनका मेहमान हूँ। जो जिसका मेहमान होता है वो मेजबान अपने मेहमान का इंतजाम करना जानता है। अगर बात समझ में आ गई तो सुनो, इस मदरसे के बच्चे रसूलुल्लाह के मेहमान है। अगर कोई इन बच्चों को अपने घर में खिलाता है तो तुम अपना इंतजाम करना, रसूलुल्लाह अपने मेहमान का इंतजाम करना। इन मेहमानों के सदके तुम्हारे बच्चों का भी इंतजाम हो जाए। वाह वाह वाह। इसीलिए कभी मदरसे के बच्चों को गिरी हुई निगाह से मत देखना, खटिया मत समझना, हल्का मत समझना। खुदा की कसम, मदरसों की वजह से आज दीनी तालीम आबाद, आज हाफिज कारी आलिम मुफ्ती लोग मर रहे हैं, ये मदरसे इस्लामिया की देन है। लिहाजा कोशिश करो, कोशिश करो, ये तुम्हारा दीनी किला है, इसको गिरने नहीं दो। ये तुम्हारा दीनी किला है, इसको तबाह नहीं होने दो। मुफ्ती साहब को कहो, मुफ्ती साहब आप मदरसा चलाइए, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, मगर दारुल कादरिया का कोई बच्चा भूखा नहीं। हम नहीं खाएंगे, मदरसे के बच्चों को खिलाएंगे, इसलिए कि ये बच्चे किसी और के मेहमान नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमान है, अपने आका के मेहमान है। मदरसे की मुखालिफत मत। प्यार करो मदरसे से, मोहब्बत करो मदरसे से। पूरी दुनिया तो चाहती है कि मदरसा बंद हो, कम से कम हमको और आपको चाहना होगा कि मदरसा बंद नहीं हो। मदरसा सुबह कयामत तक इंशाल्लाह चलता रहेगा, फलेगा, फूलेगा, आबाद रहेगा। दुनिया में कहीं भी, किसी जगह, कोई भी मदरसा हो, मदरसों को आबाद रखो, याद रखो, कल कयामत में
एक हाजी को कहा जाएगा, हाजी साहब जाइए पुलिस रात पास कीजिए, मौका गनीमत देखिएगा दौड़ जाएगा। काशी से कहा जाएगा पार कर जाएगा, शहीद पार कर जाएगा, नमाजी पार कर जाएगा, सखी सखी पार कर जाएगा, बारी आएगी एक हाथी से कुरान। बारी आएगी एक कारिये कुरान की, बारी आएगी एक कारिये दीन की, जब उससे कहा जाएगा पार कर जा, वो कहेगा हम करें तन्हा पार तने तनहा पार नहीं करेंगे। याद रखिए आपने जिसके पढ़ाने में मदद की दावी किया उसको भी वो अपने साथ लेकर जाएंगे। मदरसे के बच्चों से प्यार कीजिए, मदरसे के बच्चों से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत भरी निगाह से बच्चों को देखा कीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी में वफा की। एक कभी हुजूर मुफ्ती साहब पूरा का हुक्म हुआ हजरत की ज़ियारत पहली मरतबा, मैं पैसे से बहुत कम मुतासिर होता हूँ, मैं किसी के अखलाक से ज्यादा मुतासिर होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाखलाक है। आप ये नहीं समझिएगा कि इनकी चम्मच गिरी कर रहे जलसा के, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं, मेरा परवरदिगार है। आप जिंदगी गुजर गई तकलीफ करते करते, जो सही है वो मैं बोल रहा हूँ। 25 साल एहतमाम का तजर्बा है, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। यहाँ के मदरसे के बच्चे बहुत बाखलाक, तरबियत बहुत अच्छी है। जब बच्चे इतने अच्छे हैं तो समझो यहाँ के मदरसीन कितने अच्छे। जब मदरसीन इतने अच्छे हैं तो इस इदारे का नासिब कितना अच्छा होगा, मोहतमिम कितना अच्छा होगा। इंसान अपनी दौलत से आला नहीं होता है, अपने अखलाक से आला होता है। आप भी अपना आला कीजिए, अपने मदरसे का दारुल का ख्याल कीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।